महादेव की नगरी काशी घाटों के लिए भी यहाँ के दो घाटों का विशेष रूप से अंतिम संस्कार स्थलों के लिए उपयोग किया जाता है और 1700 के बाद वाराणसी के घाटों का पुनर्निर्माण किया गया, जब ये शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा हैं। विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और वाराणसी का ये सबसे भव्य घाट है। इस घाट से जुड़ी दो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने इसे भगवान शिव के स्वागत के लिए बनवाया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्य, अग्नि और पूरे ब्रह्म विष्णु ने अपने चक्र से एक गड्ढा खोदा और तपस्या करते हुए उसे अपने पसीने से भर दिया और भगवान शिव उस समय भगवान विष्णु को देख रहे थे। तो बाद की बाली यानी कि मणिकर्णी अपने झुमके छुपाए और उन्हें ये कहते हुए खोजने के लिए कहा कि वे गंगा के तटों पर संस्कार किया जाता है, तो भगवान शिव आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसने झुमके देखे हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट के स्वामी राजा हरिश्चंद्र को दास के रूप में खरीदा था और तब से शवों को अंतिम संस्कार के लिए इस घाट पर ले जाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस घाट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी पड़ा है। और अब हम बात करेंगे आदि केशव घाट की। नेपाल के राजा ने इस घाट को वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में बनवाया था और ये गंगा केशव मंदिर का स्थल है, जो कि काठमांडू शैली में बनाया गया है। और मंदिर में भगवान शिव के एक रूप पशुपतीश्वर महादेव की एक छवि भी है।